अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिदरतुल मुंतहा हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट वैक्यूल्स, कि हमने वैक्यूल्स को स्टडी करना है। स्टूडेंट, बाकी सारी ऑर्गेनेल्स की तरह से जिस तरह हमने प्रीवियस स्टडी किया था, जो वैक्यूल्स हैं ये भी क्या है, एक सेलुलर ऑर्गेनेल है, सेल की ही ऑर्गेनेल है। देखा यह जाता है कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये फ्लूइड फील्ड होते हैं। फ्लूइड फील्ड मतलब क्या होते हैं कि इनके अंदर कोई भी फ्लूइड कहते हैं वाटरी सब्सटेंस वैक्यूल्स के अंदर फील्ड होता है। और ये जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती हैं, मीन टू से दैट के सिर्फ और सिर्फ इनकी गिट सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ना डबल होती है और ना ये कि नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है ये। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वैक्यूल्स जो होता है वो दोनों के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल्स के अंदर भी होता है और एनिमल सेल्स के अंदर भी होता है, बट दोनों की अकरेंस में डिफरेंस है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की। हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो इन दी सेंटर ऑफ सेल्स, सेल के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब वो सेंटर के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, वो जब स्मॉल वैक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, वो स्मॉल वैक्यूल्स जब बनाते हैं, स्मॉल मिलकर एक लार्ज वैक्यूल बनाते हैं और सेल उस टाइम इस स्टेट में होता है कि वो बिल्कुल टर्जिट होने वाला होता है, मतलब कि ब्रस्टिंग के करीब होता है, टर्जिट हो जाता है, इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है। सो ब्रस्टिंग के करीब होता है, क्योंकि जब स्मॉल मिलकर लार्ज बनाते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, जो वैक्यूल होता है न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है सेंटर से। ठीक है, प्लांट के सेंटर से न्यूक्लियस को साइड पे करके खुद सेंटर में आ जाता है। ठीक, और जो न्यूक्लियस होता है उसको टूवर्ड्स क्या कर देता है, न्यूक्लियस को पेरीफेरी की तरफ भेज देता है, और जो वैक्यूल होता है खुद एट द इन द सेंटर ऑफ सेल के अंदर आ जाता है। ठीक, क्योंकि जो प्लांट सेल्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स हैं, उन स्मॉल ने मिलकर लार्ज वैक्यूल्स बना दिए थे। ठीक, बड़े बड़े लार्ज उन्होंने वैक्यूल्स बनाए, और लार्ज वैक्यूल जब बनाए तो वो सेल जो था वो टर्जिडिटी की तरफ चला गया, जिसकी वजह से वैक्यूल जो था वो अपने प्लांट के मिडल पोर्शन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स के। एनिमल सेल्स की तरह से किस तरह जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर टूवर्ड्स पेरीफेरी, मीन टू से दैट एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। और एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इन द मिडल पोर्शन के अंदर होता है, और जो वेसिकल्स होते हैं वो टूवर्ड्स पेरीफेरी होते हैं। स्टूडेंट्स, ये वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स के फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन है इसके देखते हैं कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज़ करते हैं किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए, वेस्ट, यानी कि वेस्ट की एलिमिनेशन के लिए। बॉडी है, बॉडी से वेस्ट की एलिमिनेशन करने के लिए कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब हमने बात की है प्लांट सेल्स की, कि जो यानी कि छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलके प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं, देन जो होता है क्या होता है, सेल जो होता है अपने टर्जिडिटी की तरफ चला जाता है। तब उस टाइम क्या होता है कि बहुत सा मटीरियल जो होता है बाहर की तरफ से अंदर आता है, यानी कि बड़े से वैक्यूल में आ जाता है, और उस बड़े से जो वैक्यूल में आता है तो जो लाइसोसोम्स होता है वो अपने एंजाइम थ्रू, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उस मटीरियल को क्या करता है, पीसीज के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये लिटिल सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट वैक्यूल्स के मतलब जो हमने स्टडी की थी, कि वैक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये फ्लूइड फील्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड्री होते हैं, जो वैक्यूल्स होती है उनकी एनिमल के अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट हो जाता है, और देन उसका हमने फंक्शन डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।